अस्सलामु अलैकुम, हमारा नाम आसिम कमाल है और आप हमें प्यार से गुलखान भी कह सकता है। हम पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके पिशावर से बिलोंग करता है। हमारा ये पहला व्लॉग है, तो हमसे अगर गलतियाँ होना तो हम माफ़ी चाहता है, क्योंकि ना तो सीन्स कुछ ऐसे हैं ना हमारा नाम मोरू है। हम पिशावर का पठान है, हमारा नाम गुलखान है। इस व्लॉग के दो पोर्शन हैं, तो क्या ख्याल है पहला पोर्शन साथ देखे? अच्छा जी, चूँकि ईद करीब है और रमज़ान का महीना है, तो हम कुछ नए कपड़े गरीब बच्चों में डोनेट करना चाहते हैं। आप लोगों को बताने का या वीडियो बनाने का हरगिज़ मकसद शो ऑफ नहीं, बल्कि अगर इस वीडियो से कोई एक बंदा भी इंस्पायर होता है तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। चलो के चले यार, वीडियो जुड़ेगी सब प्रॉब्लम होनी चाहिए। हम तकरीबन मास अत सुटने जीगा हो दा जखपल कोर वाला था अखला मान। हमने इनसे कहा कि हम ये कपड़े गरीबों में डोनेट करेंगे तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। इन्होंने कहा हम तो यहाँ पे खुद काम करता है, अपने मालिक से पूछ के बताते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। सही शो दस टाइम आ रही खैर। अच्छा जी, कपड़े तो मैंने उठा लिए। जब मैंने उनको ये बोला कि मैं ये कपड़े डोनेट कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 5 मिनट दे दें, मैं ओनर से पूछता हूँ। तो उन्होंने जब ओनर से पूछा और हमारा हवाला दिया तो आप यकीन माने 1 रुपये इन्होंने हमसे नहीं लिया, 1 भी रुपये नहीं लिया। अच्छा भाई, ये इनकी शॉप है, 1 बेबी शॉप, आप ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पर आए तो इनको ओनर को मेरा सलाम ज़रूर दें। सच बताऊं, इस मौके पे हमें वीडियो बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन यहां हम सिर्फ एक मैसेज दे रहा था कि हमने अपने औकात के मुताबिक मदद की और आप सब भी अपने औकात के मुताबिक मदद कर सकते हैं। किसी का मदद करके उसका चेहरे पे वो मुस्कुराहट आने से जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये था ब्लॉग का पहला पोर्शन। अब ब्लॉग का दूसरा पोर्शन, हमारे दोस्तों ने खानपुर का प्रोग्राम बनाया था तो हम भी उनके साथ चले, तो क्यों नहीं आप भी हमारे साथ चलो। चलो के चले। अच्छा भाई, तो हमारे दोस्तों का प्लान बना था खानपुर डैम के लिए, तो एक गाड़ी तो हमारी निकल चुकी है जिसमें नकाश, उबैद, कासिम, मुइज़ और हसन मौजूद हैं। अभी हमारी इस गाड़ी में मैं हूँ, मेरे साथ द ग्रेट कोचे। कोचे हम कहाँ जा रहे हैं? खानपुर डैम। खानपुर डैम जा रहे हैं। ये हमारे साथ रेहान भी मौजूद है, ये नासिर, ये फहद,
और ये मैं हूँ। तो इंशाल्लाह अभी पहला व्लॉग बना रहे हैं हम, तो अभी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। से 3 बजे रवाना हुआ, 5:30 बजे हम कानपुर। भाई क्या करने जा रहे भाई? आसिम भाई कहाँ जा रहे? आसिम टूट रही थी यार, क्या के जीत है कोला माड़ा कसम जी की ब्लॉग लगी जाए। भाई कलमा पढ़ उस पर पता होगी खबर है खड़ी रहेगी। सचू बच्चे मुझसे नहीं मारा जाता, कसम से बोल रही की मैंने, लेकिन मुझसे नहीं मारा जाता, लेकिन रेहान रेहान सिंगो सिंगो फीलिंग दी ना 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 ना
خلاص خلاص يا يار ما بني मैं यहां से चलान कभी भी नहीं मारता लेकिन ऋतिक भाई वाली वो बात याद आ गई कि डर के आगे जीत है डर के आगे तो जीत है ये तो ऋतिक वाली बात मैंने मान ली लेकिन डर से पहले जो आपको मुश्किलात सहनी पड़ती है ना वो ऋतिक भाई ने आपको नहीं बताया वो मैं बताऊंगा मैंने जब चलान मारी तो मैं जब हवा में था ना तो मुझे अपनी सारी जिंदगी के फ्लैशबैक आ गए कि भाई आज तुम मरने वाले हो लेकिन जब मैं पानी के अंदर गया तो खुदा की कसम मुझे लगा कि मैं वापस बाहर कभी नहीं आऊँगा पूरे दो मिनट बाद मैं वापस आया हूँ मेरी वो हालत हुई थी ना लेकिन एक बात बताऊँ बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अब सूर्य न जोड़े दो माँ खुदा माँ मख के वाले दे कसम दे न वाले के दो यार दे मेरा ना खोलो कैसे फील किया आपने यार वल्ला बस इसलिए जम मारी कि सबने जम मार दी मैं बीच में रह गया तो आसिम रह गया डर के आगे जीत है लेकिन आप लोग कभी भी मत मारे सब ने चलांगे मारी है लेकिन जब मारी है लेकिन इस बंदे ने नहीं मारी ना आप मेरे व्लॉग में देख सकते हैं मैंने ऊपर सबसे ऊपर Oh!